Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PregP practice app. Download now. तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन लोग फेशियल प्रोजेक्शन बनाते कैसे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ब्यूटेन टू ऑल की बात करें, तो ब्यूटेन टू ऑल में कार्बन पे लेट अस से C2H5 था, CH3 था, H था, OH था। अब ये जो कंपाउंड है इसको मैं अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। लेट अस से अभी यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको ऊपर लगाते हैं, C2H5 इधर लगा दिया, CH3 इधर लगा दिया, OH और इधर लगा दिया H। इसको इमेजिन करना, ये होता कैसे, ये मेरे पास चार डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है। ये है मेरे पास C2H5, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे लगा देते। ऊपर वाला ग्रुप है C2H5, ठीक है, ये पूरा ग्रुप है C2H5, कंफ्यूजन ना हो। ये C2H5, ये यहाँ पर CH3, एक OH और एक H है। तो मैं इसको देख कैसे रहा हूं, देखो तुम इस यहां से ऐसे देख रहे हो, लेटर से तुम अगर यहां से देख रहे हो तो क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो दोनों है, मैं प्लेन से समझा देता हूं, यहां से देख रहे हो लेटर से, तो जब तुम यहां से देख रहे हो तो क्या ये ब्लू वाला और ब्लैक वाला तुम्हारे पास आ रहा है ना, और ये जो दोनों है तुम्हारे से व्हाइट वाला और पर्पल वाला दूर जा रहा है ना। मैं यहां से ऐसे देख रहा हूँ, जब मैं यहां से ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे पास ये ग्रे वाला और ब्लू वाला पास आ रहा है और ये दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं। मतलब मेरे लिए उल्टा हुआ। नहीं, तुम्हारे लिए भी सेम ही है ये। चलो तुम ऐसे देख रहे हो, जब तुम ऐसे देख रहे हो तो ये दोनों तुम्हारे पास पास आ रहे हैं और ये दोनों दूर जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है प्लस साइन तुमको दिख रहा है, ये ऐसे एक सीधा प्लेन, इनको वन एक ऐसा ले लो और इसको ऐसा ले लो, ये ऐसा और ये ऐसा। तो बेसिकली ये जो है इसमें जो ऊपर वाले ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स एट वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना। मतलब ये C2H5 और ये H, और ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये दोनों पास आ रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पर ये जो CH3 है और ये जो OH है ये पास आ रहे हैं, और C2H5 और H जो ग्रुप है वो दूर जा रहे हैं। तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, पर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग हमेशा समझेंगे कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये वाले ग्रुप्स हमेशा बाहर आते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले बाहर आएंगे, वर्टिकल लाइन वाले अंदर जाएंगे, है ना। वर्टिकल आर इनसाइड, हॉरिजॉन्टल आर आउटसाइड। और ये जो कार्बन है ये क्या होना चाहिए, काइरल होना चाहिए। काइरल का मतलब क्या होता है, काइरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। अगर चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंपाउंड या जो कार्बन है वो काइरल है। ऑल फोर ग्रुप्स डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे 2-chlorobutane की बात करें, तो 2-chlorobutane के भी हम लोग काफी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो 2-chlorobutane कितना है, ऐसा कुछ होगा, ये H है, यहाँ पर CH3, ये CH2, ये CH3। तो अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा है। जो मेरा बड़ा ग्रुप है मैं उसको ऊपर लगाना चाहता हूँ, C2H5 मैंने ऊपर लगा लिया, और लेट अस से मैं CH3 नीचे लगा रहा हूँ। ये C2H5 यहाँ लगाना चाहता हूँ, CH3 यहाँ लगाना चाहता हूँ, Cl और H यहाँ लगाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ इसका अगर एक मैं मिरर इमेज बनाऊ तो मिरर इमेज कैसा होगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पर H, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर CH3। सिमिलरली पेंटेन टू वॉल की बात करें तो पेंटेन टू वॉल में क्या है, CH3, CH2, CH2, C पे
एच ओ एच और सी एच थ्री। तो इस वाले कार्बन को देखो, एक एच है, एक सी एच थ्री है और एक सी थ्री एच सेवन वाला ग्रुप है ना, ये सी थ्री एच सेवन है। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं, ओ एच यहाँ ले लेता हूँ, एच यहाँ ले लेता हूँ, सी थ्री एच सेवन यहाँ ले लेता हूँ, सी एच थ्री यहाँ ले लेता हूँ। तो इसका एक मिरर इमेज, क्या तुम देख पा रहे हो मिरर इमेज? क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता तो मिरर इमेज भी नहीं बनती। नेक्स्ट वाले को देखो, इस कार्बन के अलोंग बना रहा हूँ, इस स्टार का मतलब होता है कायरल। चारों ग्रुप्स डिफरेंट है ना। देखो इस कार्बन पे एच है, ओ एच है और एक सी एच टू एच है और एक सी एच है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार मतलब कायरल कार्बन है ना, कायरल हाँ हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ऊपर रखते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है यहाँ पर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हम कहाँ रखते हैं, एकदम ऊपर। तो एल्डिहाइड को रखा सबसे ऊपर, सी एच ओ, ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। तो उस पर एक एच है, एक ओ एच है और एक क्या बच गया, सी एच टू एच। और इसका क्या पॉसिबल है मिरर इमेज, आ रही है बात समझ में? अच्छा हाँ नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो तुम देखो, हमारे पास दो कायरल कार्बन, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। तो हम सी टू के अबाउट भी बना सकते हैं, सी थ्री के अबाउट भी बना सकते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर दो कायरल कार्बन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगे। कैसे? तो तुम ऐसे सोच लो, ये दोनों कायरल कार्बन है, ऊपर मैं लिख लेता हूँ सी एच थ्री, इधर है एच ओ एच, एच ओ एच और इस सी टू एच फाइव। बोलो सही लिखा है? तो एक तो इसका बना लूं मैं मिरर इमेज, ये ओ एच एच ओ एच एच सी एच थ्री सी टू एच फाइव। पर अब तुम क्या ये भी तो सोच सकते हो कि ये जो एच और ओ एच है वो अपोजिट अपोजिट साइड हो। यहाँ पर मैंने सेम साइड ले लिया है ना, मैं यहाँ पर अब क्या लेता हूँ कि वो अपोजिट साइड होगा। अगर अपोजिट साइड की बात करें तो यहाँ एच हो, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ एच सी एच थ्री और सी टू एच फाइव। तो यहाँ पर ओ एच, ये एच, ये एच ओ एच, इसकी मिरर इमेज है ना। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर चार स्ट्रक्चर्स बन सकते, ठीक है। अब इसका हम लोग एक फिशर प्रोजेक्शन बना के देखते हैं। यहाँ पे कार्बन कायरल कितने हैं, एक दो तीन और चार। जैसे यहाँ पर दो थे ना फोर्थ वाले में, इसमें कितने हैं, चार इधर दो कायरल कार्बन थे, इधर चार कायरल कार्बन। पर ठीक है, हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। बस ऊपर रखना है सी एच ओ, लेटर से मैं सेम साइड वाला बनाना चाहता हूँ, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच और सी एच टू एच ना। दिस इज फार्मूला फॉर अवर ग्लूकोज।